अभी फिलहाल ऐसा है कि मैं भी थोड़ी देर पहले ही गया था, तो अभी टाइम हो रहा है करीब 11:30 के समथिंग, 2-11 बजे, 11:15 घूमने मिल रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैं फ्रेश होके आ चुका हूँ, और अभी मैं थोड़ा सा क्या है ना एंटरटेनमेंट करता हूँ जगने के तुरंत बाद ना, ब्रश व्रश करके पानी वानी पी के थोड़ा माइंड को फ्रेश करना पूरे दिन के लिए, पूरे दिन चलाना है मुझे ये, तो किस तरीके से क्या क्या सीन रहता है तो बहुत प्रेशर रहता है। तो इसमें थोड़ा अभी मैं क्या है ना आजकल क्या है रूडीज़ को बड़ा फॉलो कर रहा हूँ, मुझे बस बहुत लोग बोलते हैं ना बड़ा वाहियात गेम है वास्तव में, पर देखने में बड़ा मज़ा सा आता है, मतलब अजीब से उनको स्टंट देते हैं, एक उसको टास्क दे दिया ये करना है उसको वो करना है, जो नहीं कर सकता वो करना है, फिर वो लोग करते हैं गाली वाली दे रहे हैं पता नहीं है, पर देखने में मज़ा आ रहा है, कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए वो शो बनाया ही गया है कि लोग उसको देखें। तो ठीक है ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा ना आपको रूम टूर करा देता हूँ, मेरे गंदा क्या क्या पड़ा है। वैसे मैंने एक सामान भी, अरे मेरे पीछे जो अंडरवियर है वो इग्नोर करना ठीक है। तो ये है मेरी मेन टेबल जहाँ से मेरा सारा काम चलता है, लैपटॉप पे जहाँ से मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ, मेरा हेलमेट ठीक है, पार के वैल्यू है इनका ठीक है, और ये मैं टिफिन जो मंगाता हूँ खाने के लिए क्योंकि मैं बनाता नहीं हूँ, और क्या है ये मेरा कैटल है जो भी मैंने कुछ दिन टाइम पे मंगा रखा है ये ठीक है। सेकेंड क्या है ये आयरन बस करता हूँ बस ठीक है, बाकी कुछ सामान इस टेबल में पड़ा होगा, मेरे बैग है डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन जगह पड़ता है फोटो शूट वाला। तो ये चेयर्स हैं तीन, तो मैं रखता हूँ एक्स्ट्रा, बिल्कुल मेरे दोस्त लोग आते रहते हैं यहाँ पे, तो किसी को दिक्कत ना हो बैठने बैठने में, अगर कोई लेटने वाला भी हो तो बेड भी हैं यहाँ पे। तो इस तरीके का फ़िलहाल तो मॉर्निंग का सीन ये रहता है ठीक है। बाकी अभी जो भी होगा आगे आगे बताता हूँ, कि मेरा चार्जिंग पे लग रही है मेरी ईयरफोन जो मैं सुनता हूँ ठीक है। तो अभी मैं क्या ना सोच, अभी आधे घंटे करीब मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट करूँगा अपना ये क्या बोलते हैं मोबाइल से, उसके बाद थोड़ा सोचा जाएगा कि खाने वाने का सिस्टम क्या रहेगा। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं बाहर चला जाऊँ या फिर यहीं मंगा लूँ, पर अभी मन नहीं कर रहा थोड़ा खाने का, तो मैं थोड़ा अभी वेट करूँगा ठीक है। तो उसके बाद मैं देखूँ क्या सीन है कैसे करना है, तो आगे मैं अपडेट करता हूँ जैसा भी होगा आपको। सो हेलो गाइज, इट्स लंच टाइम, तो अभी टाइम करीब हो गया है 3, और मैंने अपना लंच भी मंगवा लिया, तो अभी मैं लंच करूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ लंच में क्या क्या है कैसे कैसे है, फिर आगे बताऊँगा, पहले लंच आपको देता हूँ क्या क्या मुझे लंच में मिलता है ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पर पास में एक रेस्टोरेंट ढाबा टाइप में है, वहाँ से मैंने मंगवाया ये ओके। सो ये है लंच जिसमें क्या है, ये है रोटी ठीक है, ये है पूरा सैलेड जिसमें क्या क्या है तुम्हारा, खीरा है, गाजर है, प्याज, नींबू, मिर्च, ये रायता है, और ये है मिक्स वेज। तो ये है एक कंप्लीट लंच पैकेज मेरे लिए जो मुझे पसंद था। एक्चुअली इसमें मिक्स वेज और दाल आती थी ठीक है, तो वो मैंने थोड़ा एक्सचेंज कराया, और चावल भी आते थे, तो मैंने चावल स्किप करा के और दाल की जगह ये रायता मंगाया, को मुझे ये पसंद है तो मैंने इसमें थोड़ा कस्टमाइज़ किया है ठीक है। तो अभी हम लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। तो हेलो गाइस, एक्चुअली क्या है ना कि ये इस तरह सेटअप किया गया है, अगर मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा तो मेरी प्लेट है वो नहीं आ पाएगी, तो इसलिए थोड़ा खतरा हो जाए, थोड़ा एडजस्ट करना ठीक है। ये ओके पैकेट है, बाद में खोलते हैं, पहले अपना लंच पैकेट खोलते हैं इसको। फ्रिज में रायता मिल चुका है ठीक है, तो ये सी तो स्टार्ट करते हैं खाना अभी। ये रोटी काफ़ी अच्छा रहता है एक्चुअली, बड़ी रोटी है तो पेट भी अच्छे से भर जाता है इसमें। तो आप लोगों को बताना कि मेरा ब्लॉग है क्या चीज़ें आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, और मेरे ब्लॉग में और क्या आप देखना चाहते हो, लेकिन पीछे मेरी बनियान दिख रही है तो उसके सॉरी चाहूँगा, क्या करूँ यार अकेले रहता हूँ कहाँ डालूँगा, आप बस ये कर लेता हूँ ठीक है।
ये खाना मतलब बहुत टेस्टी है। सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिकल है, इतना महंगा भी नहीं है। जैसे जोमेटो अगर आप मंगाओगे तो उसमें 150-200 रुपये स्टार्ट होता है, लेकिन ये मेरे पास के रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट नहीं है, ढाबा छोटा था वही से मंगाता हूँ, तो मैं जानता भी हूँ। पास में एक बस बोलो 200-250 मीटर कम से होगा, तो जल्दी भी आ जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं लंच के बाद। ओके गाइस, तो आप भी लंच कर लो अगर आप लंच के टाइम पे वीडियो देखोगे तो। मिलते हैं। तो अभी का सीन ऐसा है कि पूरा दिन निकल चुका है, तो पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया सिवाय मोबाइल चलाने के और आराम करने के, क्योंकि मैं बहुत ही लेज़ी पर्सन हूँ इस मामले में। ठीक है, तो एक दो लोग का फ़ोन भी आया था मेरे पास बाहर जाने के लिए कल चलते, तो मैंने कहा यार नहीं, कुछ बहाना मार दिया मैंने कि नहीं जा रहा यार अभी। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ बाहर थोड़ा डिनर करने के लिए, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड हैं जो आपने देखा वो पहले मेरे ब्लॉग में अभी अरुण भाई करके, तो वो और एक फ्रेंड और शिवम, दो तीन लोग हम लोग जा रहे हैं कुछ बाहर के लिए। तो पहले तो मैं अरुण भाई के पास जा रहा हूँ, उनसे मिलने हैं, उनको पिक करूँ अपनी बाइक पर, फिर देखते हैं कहाँ का सीन बनता है। तो जैसे भी होगा आपको अपडेट करता हूँ। टाइम शायद अभी हो रहा था 8:15 के समथिंग हो रहा है। ठीक है, और मिलते हैं अगले अपडेट में, फिर आना पूरी वीडियो लेके जाना। तो मैं बाहर आ चुका हूँ और अरुण भाई मेरे साथ हैं, जो शायद आप जानते हो पहले व्लॉग में देखा है। तो अभी इन्होंने छोटी सी ट्रीट दी है मुझे, ये स्ट्रॉबेरी शेक की। तो यहीं पे इनका एक शॉप है, वहाँ पर काम करते भाई साहब, उन्हीं की भी उसकी शॉप है। तो अभी इसके बाद हम चलेंगे शिवम भाई के पास, तीनों मिलकर फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, और बोलो सर में खेला रहे। आज हम जा रहे हैं तो गाइज नाइट आउट जा रहे हैं पार्टी करने, आज फुल इन्जॉय होगा। हाँ। और रात को 2:30 बजे वापस आना है। ज़्यादा हो गया 2:30। चलो यार जैसा भी मैं अपडेट करता हूँ। ओके, एक्चुअली ना प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, पहले हम जाने वाले थे बाहर, मतलब बाहर तो अब भी आए हैं, मतलब पहले बाहर खाने वाले थे, फिर हमने डिसाइड किया कि बाहर से ले आते हैं और रूम पे अपना आराम से खाते हैं। तो एक रेस्टोरेंट है पास में श्याम डेरी नाम से, तो वहाँ पर हम लोग लेने आए थे अपना खाना। और ये अब लोगों में डिस्कशन हो रहा है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे वेट किया करीब आधा घंटा, करीब हमें यहाँ पे लग गया था। उसके बाद हमने अपना डिनर पैक किया और यहाँ से हम चलते बने। तो अभी अपना डिनर पैक करा के हम लोग अब रूम पे आ चुके हैं, आपस में बात कर रहे हैं हम लोग। ये एक्चुअली वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ ना कि वहाँ पे थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं थी, इसलिए वो हटा के मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। तो मैं आपको डिनर दिखाता हूँ क्या क्या है। ये मेरा खाना है जिसमें एक स्पेशल थाल ही है, इसमें पता नहीं बहुत सारा आइटम है यार, पता नहीं रसगुल्ला वगैरह, बटर नान, वही पराठा, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये इन लोग का है, इन लोग का मतलब इन लोग कुछ और चॉइस थे तो ये अपना कुछ और लेके आए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ मस्ती कर रहे हैं खाते खाते। मैं एक्चुअली खा चुका हूँ पहले ही, तो मैं खा के अपना लेटा हुआ हूँ, इन लोगों को स्कैन कर रहा हूँ कि भाई क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये मेरी बात हो रही है कि जो भी कहा इन्होंने किया है। ये जो येलो कलर में है ना, ये शिवम भाई हैं एक्चुअली, जिनकी बात करा था ना मैं कि शिवम भाई मिलने वाले हैं। तो हम बेसिकली तीन लोगों ने मिलके ये थोड़ा एन्जॉयमेंट किया। नाइट आउट क्या कहोगे यार, मेरे ही रूम पे है, नाइट आउट क्या है इसमें। ठीक है, तो एन्जॉय करो, आगे मिलते हैं वीडियो में। तो एवरीथिंग हैज एंडेड अप, सब लोग जा चुके हैं, तो खाना वाना हो गया अच्छी तरीके से, सबने खाया टाइम हो रहा कभी करीब 20:30 के समथिंग, 10:30-11 बज रहा है। तो यही था मेरा संडे किस तरीके का बीतता, ज़्यादा कुछ स्पेशल खा नहीं फिर मैंने आपको बता दिया क्या मैं कैसे करता हूँ पूरे दिन में। तो अगर पसंद आया हो मेरा संडे का वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, और ना पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बताना कि क्या गलती रही, क्या मुझे करना चाहिए था वगैरह वगैरह। ठीक है, तो करते हैं वीडियो एंड। गुड नाइट, थैंक यू।